हेलो एवरीवन। तो घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर के मैगजीन से अब तक हमने पार्ट वन में पांच राज्यों का जो चुनाव हुआ था वहां तक कर लिया था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट इस पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दृष्टि घटना चक्र के इस करंट अफेयर्स के मैगजीन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। तो जब सरकार अपनी किसी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है तो इसका अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी संस्थान को उस संपत्ति के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर रही है। इस तरह के लेन देन में सरकार को उस निजी संस्था से एक अग्रिम भुगतान, संपत्ति द्वारा सृजित राजस्व में नियमित हिस्सा, परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा और मुद्रीकृत संपत्ति के शीर्षक अधिकार मिलते हैं। अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? तो 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना होगा? तो 5,000 करोड़ रुपए होगा। और चुकता शेयर पूंजी यानी कि पेडअप शेयर कैपिटल कितना होगा? तो ये होगा 150 करोड़ रुपए। NLMC जो है वो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि और भवनों का मुद्रीकरण करेगी। गैर प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके जो सरकार जो है वो राजस्व प्राप्त करेगी। वर्तमान में CPSE के पास बड़ी मात्रा में उपयोग में नहीं या आंशिक उपयोग वाली भूमि और परिसंपत्तियाँ मौजूद हैं। NLMC इन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा और प्रक्रिया का समर्थन करेगा। NLMC जो है वो बंद हो चुके CPSE या ऐसे CPSE जो रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया में है उनसे संबंध परिसंपत्तियों का स्वामित्व करेगा, प्रबंधन करेगा और मुद्रीकरण करेगा। NLMC CPSE तथा अन्य सरकारी कंपनियों को परामर्श और समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों की दक्षता के साथ पहचान कर सके, उनका मुद्रीकरण कर सके और अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की है। तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI का शुभारंभ किया था। टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक सघन और घनीभूत बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए IMI 2.0 को दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है वो 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के मध्य 15-15 दिनों के दो दौर में संचालित किया गया। और मिशन जो है वो मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ये तीन मिशन इंद्रधनुष जो है इसके फेज दिए गए हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष के तीन चरण कब कब शुरू किए गए थे? अब स्मरणीय तथ्य जो है वो चौथे चरण के बारे में है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। तो इसकी शुरुआत जो है 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। कौन सा मिशन है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इस मिशन को तीन दौर से संचालित किया जाएगा। IMI यानी कि इंटेंस मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय और तृतीय दौर में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। मिशन का फोकस क्या है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देगा। कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी परिगति में तेजी लाना, तो ये जो है वो मिशन 4.0 मिशन इंद्रधनुष है इसके जो मुख्य फोकस दिए गए हैं। नेक्स्ट है गोबरधन संयंत्र इंदौर। तो गोबर का पूर्ण रूप, गोबर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? तो गैल्विनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। इस योजना की जो घोषणा है वो बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना है।
इसके बारे में स्मरणीय तथ्य यह है कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर धन संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है। परियोजना को लागू करते हुए विशेष प्रायोजन वाहन के रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में सक्षम है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद के उत्पादन की उम्मीद है। प्रतिदिन कितनी सीएनजी? तो 17,000 किलोग्राम और 100 टन जो है वो जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट के उत्पादन की उम्मीद रखी गई है। यह संयंत्र जो होगा वो शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इससे कोई जो है वो अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। इसके साथ ही इससे कई पर्यावरणीय लाभ जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना आदि प्राप्त होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की कि केंद्र द्वारा इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र से लगभग 60% वित्तीय सहयोग जो है वो प्राप्त होगा। इसमें स्मरणीय तथ्य ये है कि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की ये पहली परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में स्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इसके साथ ही सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.25 लाख हेक्टेयर की सीमा तक सिंचाई करने की योजना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जा रहा है। परियोजना के तहत थुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक 17,400 मिलियन क्यूबिक फीट। किस नदी से कहाँ तक? तो थुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक। किस स्टेट में है ये? तो कर्नाटक में है। और भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक 29.90 TMC पानी उठाने की परिकल्पना की गई है। 7.039 किलोमीटर लंबी अज्जमपुरा सुरंग का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन जो है वो विश्वसरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्माइल योजना से। तो 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। स्माइल योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में। इस योजना का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में। स्माइल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्माइल का पूर्ण रूप जो या फुल फॉर्म कहे तो आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये स्माइल का फुल फॉर्म है। इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना के जो घटक हैं ये है कि ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास और आजीविका, समग्र चिकित्सा देखभाल, गरिमा गृह के रूप में उन्हें आवास दिया जाएगा और ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा ई सेवाएं जिसमें कि राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन और अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास का फोकस निम्नवत है। उन्हें एक सर्वेक्षण और पहचान, लामबंदी, बचाव, आश्रय गृह, व्यापक पुनर्वास, ये सारी चीज़ें जो है वो दी जाएंगी। नेक्स्ट है अटल सुरंग, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूर्व नाम क्या है? तो इस सुरंग का जो पूर्व नाम है वो है रोहतास सुरंग। 24 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में इसका नाम अटल टनल रखने का निर्णय किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया था। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, तो 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को 10,000 फीट यानी कि 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। अब T49 सुरंग के बारे में कुछ दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। पहले हम अटल टनल में कुछ और लाइन दिए गए हैं। यह है कि इस सुरंग का निर्माण सीमा संगठन सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। BPSC के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है अटल टनल की टोटल लंबाई कितनी है, तो ये आप याद रखेंगे। यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है। इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। यह सुरंग जो है वो 10.5 मीटर चौड़ी है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी के वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है। यह सुरंग सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके परिचालन से सड़क निर्माण मार्ग से मनाली एवं लेह के बीच दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आई है। इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में भी 4 से 5 घंटे की जो है वो बचत होगी। अब T49 सुरंग के बारे में दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन जो है वो कश्मीर घाटी को शेष भारत से जुड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इस वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर, जिसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो मार्ग की लंबाई देख लेते हैं, तो खंड एक में है उधमपुरा से कटना यानी कि टोटल ये है 25 किलोमीटर। खंड दो में कटरा से बनिहाल 111 किलोमीटर। खंड तीन में है बनिहाल से काजीगुंड तक, जिसकी लंबाई है 18 किलोमीटर। और खंड चार में है काजीगुंड से बारामूला, और इसकी लंबाई होगी 118 किलोमीटर। यानी कि टोटल मिलकर इसकी लंबाई जो T49 सुरंग की लंबी 272 किलोमीटर हो जाएगी। सुरंगों की इसमें संख्या देख लेते हैं, तो खंड एक में 10 सुरंग है, खंड दो में 27, खंड तीन में 1 और खंड चार में 1 भी सुरंग नहीं है। जो टोटल सुरंगों की संख्या है वो है 38। मुख्य सुरंग की लंबाई देख लेते हैं, तो 11 किलोमीटर खंड एक में, 97.64 किलोमीटर खंड दो में, 11.215 किलोमीटर खंड तीन में, और टोटल जो मिलकर हो गया है 119.85 किलोमीटर जो है वो मुख्य सुरंग की लंबाई है। सबसे लंबी इसमें सुरंग देख लेते हैं, तो ये इसमें किलोमीटर में दिया गया है 3.15 किलोमीटर, 12.75 किलोमीटर और खंड तीन में 11.215 किलोमीटर। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंग जिसकी संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कटरा से बनिहाल तक को जोड़ता है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। निर्माण पूर्ण होने पर T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी। वर्तमान में बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 11.215 किलोमीटर है। T49 सुरंग का निर्माण NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मॉडल द्वारा की मेथड द्वारा किया जाया गया है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में दिया गया है, तो श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 AD में श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। वे श्री वैष्णव परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं। रामानुजाचार्य वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में शामिल हैं। रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया।
रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्म और उसकी समस्त कृति जीव एवं जगत को सत्य माना गया है। रामानुजाचार्य के अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना की है इन्होंने, इसमें शामिल है वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, गीताभाष, श्री वैकुंठ गद्य, वेदांत दीप आदि। श्री भाष्य रामानुजाचार्य जो द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। उल्लेखनीय है कि श्री रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। इसी कारण हैदराबाद में उनकी स्थित उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। इसमें अब कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद यानी कि हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुजाचार्य सहस्त्र शताब्दी समारोह के दौरान किया गया था। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थित है जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्नाजीयर स्वामी ने की थी। उल्लेखनीय है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट जिसकी ऊंचाई है, इसके अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंच लोह यानी कि 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं कौन कौन से हैं? तो स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम का निर्माण किया गया है यानी कि 108 नक्काशीदार मंदिरों का निर्माण किया गया है। चीन स्थित एरोशन कॉरपोरेशन ने लगभग 1600 टुकड़ों में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण कर इसे भारत भेज दिया था। भारत में इन टुकड़ों को असेंबल कर यह पूरी प्रतिमा तैयार हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा प्रतिमा है। थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा जो है वो ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड जिसे कहा जाता है, तो ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होगी ये वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू होगी बैठी हुई मुद्रा में। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में देख लेते हैं, तो जो बुद्धा की जो मूर्ति है जो ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड कहा जाता है, यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई जो है 302 फुट है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ, तो वर्तमान में राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है और इस स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है। यह विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। स्टैचू ऑफ पीस के बारे में देख लेते हैं, तो 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। यह जैनाचार्य श्री विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। विजय बल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा जो है वो अष्ट धातुओं से निर्मित है जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय बल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। विजय बल्लभ महाराज ने जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए निस्वार्थ अभाव से भगवान महावीर के संदेश के प्रसार का कार्य किया। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।